केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ शुभारंभ किया गया। इस समारोह में संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर रामवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में अपना योगदान दिया। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं दलित परिवार में जन्म हुआ हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं दलित होकर नहीं मरूँगा। अर्थात समाज में व्याप्त कुरीति, विषमता और भेदभाव छुआछूत को दूर करने का उन्होंने अथक प्रयास किया। अपने बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, न अपने परिवार के बारे में। सदैव उन्होंने देश के प्रति और नारी के प्रति सम्मान दृष्टिकोण से देखा। तत्कालीन समाज में दलितों के प्रति नीच दृष्टिकोण थे। उन्हें विद्यालयों में पढ़ने के लिए मना किया जाता था, कक्षा के बाहर नीचे बैठा दिया जाता था। उन्हें अपनी प्यास मिटाने के लिए पानी तक पीने के लिए मना किया जाता था और रास्ते पर चलने से भी मना किया जाता था। इसीलिए उनके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी और वे उच्च जाति के लोगों के साथ बात तक नहीं कर पाते थे। इस तरह से दलितों को एक संक्रमित रोग की तरह मानते थे। समाज में रहना उनके लिए अत्यंत कष्टकर साबित हो चुका था। इतने कष्ट में रहते हुए भी, इतने कष्ट बाधाओं को पार करते हुए इन दलितों के प्रति उन्होंने सम्मान का कार्य किया, उन्होंने अधिकारों की बात की और संविधान का जनक कहलाए। अधिकारों की बात करते हो आप लोग हमेशा, जिन नीति निर्देशक तत्वों की आप बात करते हो हमेशा, कि हमें तो ये मिलना चाहिए, हमें तो ये मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार है, न्याय का अधिकार है, किसकी दे? सोचे अपने ध्यान में लाइए, अपने दिवस जरूर दिमाग को मत टटोलिए कि हम सही कुछ व्यक्तियों के बहकाव में आकर के ऐसे महान संतों को, ऐसे महान व्यक्तित्व को नकार देते हैं, हटा देते हैं। मैं आपके तीन छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा, विशेष रूप से देश का चाहे चाहे कोई भी संत हो, महात्मा हो, जिसने देश के लिए हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए या इसके संवर्धन के लिए या इसके प्रसार के लिए जो भी कार्य किए हैं उसका हमें नमन करना चाहिए। वो किसी धर्म जाति वर्ग विशेष से नहीं होता। बहुत उत्कृष्ट चित्र हम निकालते, आपने देखा होगा कि जिस पत्रिका का वो संपादन करते थे उसमें भी वो उस प्रकार के चित्रों को छापते थे। बाबा साहब पर संतों के विचारों का गहरा प्रभाव था और इसलिए उनके पत्रिकाओं के ऊपर जो है वो संतों के विचार स्लोगन के रूप में वो रखते थे। चित्रकला के साथ साथ शिल्पकला का भी बाबा साहब को बहुत ज्ञान था। शिल्पकला की भी वो मर्मज्ञ रहे हैं। संगीत और गायन में वे हमेशा संघर्ष होते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि 18-18 घंटे वो काम कैसे करते होंगे। थोड़ा मैं ही संकोच में था कि आपके रहते और कोई दूसरा व्यक्ति बाबा साहब के बारे में चर्चा करे, इसको मुझे आदमी कैसे स्वीकार कर सकता है। यहाँ जितनी जितना अध्ययन, जितना सम्मान महाराष्ट्र की धरती और वहां के लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, हम लोग तो उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन आपने उनके कार्यों के, उनके परिवार की सांसों को गिना है, उनकी आंखों की रोशनी को गुस्से देखा है, तो महाराष्ट्र जैसे विद्वान का कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी पर अपने जीवन को प्रकाशित कर देंगे। आज के पावन दिवस पर हम यही पढ़ लें
कि हमें डॉक्टर बाला साहब द्वारा दिखाए गए सम्मान पर चलकर एक विकसित समृद्ध समाज के निर्माण के लिए अपना अपना योगदान दे रहा है। कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु काम करता हूँ अध्यापक शिक्षा विभाग जो आपका वक्तव्य था उसमें कई ऐसी बातें थी जो पहली बार हम अध्यापकों ने भी और विद्यार्थियों ने भी इस सभागार में सुनी। मैं संस्थान परिवार की ओर से मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता भूतपूर्व निदेशक प्रोफेसर रामवीर सिंह जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सर मन कर्म और वचन से सर के व्यक्तित्व की विशेषता यह है कि संस्थान के जो जितने भी मैं देख मेरा 20 वर्ष होने हुई है मुझे अभी एक आध माह बाकी है तो मैं देखता हूँ कि सर के मन में कर्म में और वाणी में जो एक रूपता है वह ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनमें दिखती है। वो सर के व्यक्तित्व की विशेषता है।